दोस्तों, वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए पहले से आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला एप्लीकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन पहले पिक्सल लैब नाम से आता था, अभी पिक्चर एडिटर नाम यहाँ पे, तो इस एप्लीकेशन का नाम अभी चेंज हो गया, पिक्चर एडिटर नाम से आपको एप्लीकेशन ये मिलेगा। आपको फ़ोन अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लेना है। और सभी यूट्यूबर इसी एप्लीकेशन का यूज करके अपना थंबनेल बनाते हैं, तो इस एप्लीकेशन से बहुत बढ़िया थंबनेल बनता है, तो आप भी अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं। मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा। दोस्तों, ये ऐप ओपन करने के बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर मेरा फ़ोन है जो रोटेट किया हुआ है, आप अपना सीधा फ़ोन रख करके भी बना सकते हैं या रोटेट करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर राइट साइड में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ऊपर से 5 नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, इमेज साइज, इस पर क्लिक करेंगे। पे आपको कस्टम लिखा हुआ, उसके सामने एक एरो बना हुआ है, इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे ऊपर से 5 नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है, यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमारा थंबनेल बनाने के लिए यहाँ पर साइज जो है सेट हो गया है। यहाँ पर आपको बीच में लिखा हुआ दिख रहा है न्यू टेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इधर लेफ्ट साइड में ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो जो लिखा हुआ था हमारा यहाँ पर, ये वहाँ पे डिलीट हो गया है। यहाँ पे आप कोई फ़ोटो लगाते हैं या कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वो डिलीट हो जाएगा वहाँ से। दोस्तों, हम यहाँ पर पेपर कटिंग डिजाइन वाला थंबनेल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक पेपर कटिंग PNG फ़ोटो चाहिए होता है, तो उसको हम पहले गूगल से डाउनलोड करेंगे। तो मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको भी बता देता हूँ गूगल से आपको फ़ोटो कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको सर्च करना है, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं सर्च बार में, पेपर कट PNG डाउनलोड। यहाँ पर आपको ऐसा लिख करके सर्च कर लेना, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वेबसाइट आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये वाला वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, vectrizy.com कुछ नाम से आपको ये वेबसाइट यहाँ पे मिलेगा। वो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद में यहाँ से ऐसा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेना पेपर कट डिजाइन आपको यहाँ पे PNG फॉर्मेट में मिलता है तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ ऊपर सर्च करेंगे, पेपर कट PNG यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर साइड में सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे सर्च करेंगे अपन। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे आ गया पेपर कट डिजाइन जो हमको चाहिए था वो यहाँ पर मिल जाएगा हमको। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी सारे पेपर कट PNG आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पेपर कटिंग PNG इमेज जो है वो आपके फ़ोन में यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, फ़ोटो डाउनलोड करने के बाद में हमको फिर से आ जाना है पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। यहाँ पर दोस्तों राइट साइड नीचे आप कोने में देखेंगे तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको एक राइट साइड में ऊपर इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ दोस्तों हमारा फ़ोन का गैलरी यहाँ से ओपन हो गया और जो हमने फ़ोटो डाउनलोड किया था वो यहाँ से हमको सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक कलर में दिख रहा है राइट साइड में, यह वाला फ़ोटो मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा पकड़ के जो PNG फॉर्मेट है उसको थोड़ा छोटा कर देना है, जो बीच में पेपर कट हमको दिख रहा है उससे थोड़ा सा बड़ा रख लेना है। दोस्तों, यहाँ पे राइट का ऑप्शन दिख रहा नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये कॉर्नर जो है पकड़ कर इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये वाला कॉर्नर पकड़ के हम इसको घुमा सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थंबनेल बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको घुमा करके वर्टिकल कर दूंगा, यहाँ से खड़ा कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा। दोस्तों, यहाँ से आपको जितना चाहिए बड़ा या छोटा कर लेना है। यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हैं बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है उस पर क्लिक करने के बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कलर देना है दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल अप करेंगे तो
तो एक कलर का ऑप्शन दिखेगा कलर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए इनेबल पे क्लिक करते हैं ये पेपर कटिंग जो इमेज हमारे पास में था वो रेड कलर में चेंज हो गया। नीचे बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, तो आप जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको राइट साइड सेंटर में आपको एक कलर और ग्रेडियंट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे। बहुत सारे कलर यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा, जो भी कलर चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे, कलर सेट हो जाएगा। नहीं तो नीचे और एक ग्रेडियंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं आधे में येलो टाइप लग रहा है और आधे में ब्लू टाइप आपको कलर लग रहा है, तो यहाँ से आप एक ही इमेज में डिफरेंट कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर पहले से हैं और आपको इसमें से कोई भी पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे आप प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे कलर आपको मिल जाएगा। ये आप इसको जितना बड़ा करोगे कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में और एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से घुमा करके जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये वाला कलर यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में थंबनेल बनाने के लिए, तो आप और भी बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हो। इम्पोर्टेंट है वो ऑप्शन आपको यहाँ से बता देता हूँ, और सारा कुछ डिटेल में बनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2-3 घंटे में भी वीडियो पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, और भी आप यहाँ पे रेगुलर थंबनेल बनाओगे तो और भी बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको नया कलर चाहिए तो यहाँ पे इसको हम इधर उधर घुमा करके सेट करेंगे, और यहाँ नीचे ओके का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेपर कटिंग जो फ़ोटो अपने पास में है उसको अपने हिसाब से घुमा करके सही जहाँ पे आपको सही ठीक लग रहा है वहाँ पे सेट करके, यहाँ पे आपको ऊपर एक सेंटर में ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में ऊपर देख रहे हैं एक लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये वाला आप देख रहे हैं। इस पर हम इसको यहाँ से लॉक कर देंगे PNG फ़ोटो को, और फिर से हम यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये PNG फ़ोटो जो है हमारा यहाँ पे लॉक हो गया, हम इधर उधर हिलाएंगे तो नहीं हिलेगा। ओके दोस्तों यहाँ तक हम ये सीख गए हैं कि PNG फ़ोटो को कैसे डाउनलोड करना है और सेट कैसे करना है। तो हम सीखेंगे कि हमारा खुद का जो इमेज है उसको PNG फॉर्मेट में कैसे बदलना है और उसको हमारे थंबनेल पे कैसे लगाना है। तो आप ज़्यादातर लोग क्या है अपना खुद का फ़ोटो जो है थंबनेल पे यूज करते हैं, तो वो कैसे करते हैं और फ़ोटो कैसे बनाते हैं और थंबनेल पे कहाँ कैसे यूज करना है मैं आपको अभी यहाँ पे मैं आपको आगे डिटेल में उसके बारे में यहाँ पे आपको बता दूँगा। और आपका फ़ोटो पहले से PNG फॉर्मेट में आपने करके रखा है, आपका फ़ोटो PNG में पहले से बनाया हुआ है, वो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको अपना फ़ोटो PNG कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ अपने फ़ोटो को PNG में बदलने के लिए आपको फिर से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च करना है BG लिख करके। मैं यहाँ पे BG लिख करके सर्च किया हूँ, ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिख रही है रिमूव बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपलोड इमेज देख रहे हैं लिखा हुआ अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने अपना गैलरी ओपन हो जाएगा, आपको जो भी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, जिस भी आपके फ़ोटो का PNG में बदलना है उस पर क्लिक करें। मैं मेरा फ़ोटो यूज नहीं ले रहा हूँ इसलिए मैंने मनोज देव भाई का एक फ़ोटो डाउनलोड किया हूँ गूगल से, तो आप जो भी आपका फ़ोटो है उस पर क्लिक करेंगे। मैं इस फ़ोटो पे आपके पास में अपना ज़्यादा फ़ोटो है तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऊपर डन का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे, तो फ़ोटो यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा और बैकग्राउंड जो है वो भी रिमूव आपका हो जाएगा तुरंत, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा, फ़ोटो PNG फॉर्मेट में बन जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है।
और आपको फ़ोटो का क्वालिटी बढ़िया चाहिए, HD क्वालिटी में आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे डाउनलोड HD पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नीचे सिंग अप का ऑप्शन देख रहे हैं, सिंग अप फ्री, इस पर क्लिक करेंगे। इसे आपको लॉगिन यानी सिंग अप कर लेना है, फेसबुक, गूगल या अपना ईमेल आईडी से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे गूगल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपके सामने आपके सारे गूगल अकाउंट जो बनाए हुए वो आपके सामने दिखेगा। तो जिस आपको गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो फ़ोटो आपको HD में डाउनलोड, HD बढ़िया क्वालिटी में डाउनलोड करना है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका फ़ोटो का क्वालिटी है उसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों, यहाँ पे आपका PNG फ़ोटो भी तैयार हो गया। तो फिर से हम चलते हैं हमारा पिक्सल लैब एप्लीकेशन में और वहाँ पे थंबनेल बनाते हैं। दोस्तों हम आ गए फिर से पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। यहाँ पे आप राइट साइड में नीचे सेंटर में एक ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको राइट साइड में ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है इम्पोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों जो भी फ़ोटो हमने PNG बनाया था जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने जो भी PNG फॉर्मेट में फ़ोटो बनाया यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ से आप इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि हमको एडजस्ट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ से हम राइट पे क्लिक करेंगे, अपने फ़ोटो को छोटा बड़ा करके सेट कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों फ़ोटो सेट होने के बाद में यहाँ ऊपर हम सेंटर में जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस फ़ोटो को यहाँ से हम लॉक कर देंगे। फिर से हम ऊपर सेंटर में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो ओपन हुआ तो ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा, फिर से क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक पेपर कटिंग का एक फ़ोटो लगाया, आपको और एक फ़ोटो चाहिए तो यहाँ आप ऊपर यहाँ पे सेंटर में जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों पेपर कटिंग वाला जो सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसके सामने एक पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है, इस पर यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कॉपी करने का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो अपना पेपर कटिंग का एक इमेज था उसका यहाँ से दो बन गया है, तो और एक कॉपी होकर के इमेज बन गया। फिर से ऊपर सेंटर में यहाँ पे क्लिक करके उसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे और एक इमेज हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। और फिर हमको फिर से वहाँ से लाना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये जो यहाँ पे दोस्तों पेपर कटिंग इमेज जो है वो ये फ़ोटो के, मनोज देव भाई के फ़ोटो के ऊपर यहाँ पे आ रहा है, तो इसको यहाँ से नीचे कैसे लाना है तो आपको यहाँ पे ऊपर सेंटर में जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ साइड से पकड़ करके यहाँ पर आप यहाँ पे नीचे बीच में ला करके छोड़ सकते हो। और आपको यहाँ पर बीच में चाहिए तो ऐसे करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। अब ये फ़ोटो वो नीचे और ये ऊपर आ गया है। हम पहले कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमको थोड़ा ठीक से समझ में आ जाए। जिसका भी कलर चेंज करना है या कुछ उसके ऊपर एडिटिंग करना है तो उसके ऊपर एक बार ऐसे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है इधर ये राइट साइड में जो ऑप्शन है वो हमारे साथ में सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हम देखेंगे कलर का ऑप्शन हमको देखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर हमको चाहिए हो वो यहाँ पर सेट करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रेडियंट कलर इसका सेट करके इस फोटो पेपर कटिंग इमेज को यहाँ पे सेट करूँगा और यहाँ पर इसको भी यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। ये दोस्तों अभी ये भी हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। यहाँ पे हमारा जो फ़ोटो है इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे और बढ़िया बनाएंगे, तो इसके यहाँ पर इस फ़ोटो को हम इसको यहाँ से अनलॉक करेंगे और यहाँ पर हम फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो इसमें हम अपने को एक स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रोक, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ से इनेबल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो दे देना है। यहाँ पे आपको नीचे नंबर्स दिख रहा है लाइन में, इसमें आपको ये लाइन को आपको 3 या 4-5 तक रख देना है, ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। मैं यहाँ पर 4 पे सेट कर लिया हूँ। यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे, हमारे फ़ोटो का स्ट्रोक लगने के बाद में नीचे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक शेडो का ऑप्शन दिखेगा, शेडो, इस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ से हम इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे हम इमेज का शेडो यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब इमेज का छाया आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड में ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो रखिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जहाँ भी आपका सेट होता है वहाँ पे आप रख लीजिए और राइट पे क्लिक कर दीजिए। कलर आपको यहाँ पे शेडो आप लगा रहे हैं तो ब्लैक कलर में ही रखना है, शेडो ब्लैक कलर में ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट पे क्लिक करके यहाँ से हम इस फोटो इमेज जो है इसको भी यहाँ से लॉक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम हमारे बैकग्राउंड जो ये वाला देख रहा है स्पेस, इसका कलर यहाँ से हम चेंज करेंगे। यहाँ पे नीचे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड जो आपका दिख रहा है इसका जो भी आपको कलर यहाँ से चाहिए वो कलर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी कलर सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कलर या ग्रेडियंट जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप भी ऐड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये वाला बैकग्राउंड सेट कर लिया है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड जो है वो सेट हो गया है। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो भी हमको यहाँ पे लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे। बीच का ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर में, बीच में प्लस का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट में, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ में सामने ये वाला बॉक्स एक ओपन हो जाएगा, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। इस पर यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे लिखना है आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे डन करेंगे, यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको हमें कलर देना है तो इसके ऊपर पहले तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। राइट साइड में नीचे ए का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी हम कलर देना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये फॉन्ट जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको यहाँ का जो फॉन्ट है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पे आप इधर देखोगे ऑप्शन दिखेगा आपको फॉन्ट का, ए बी लिखा हुआ, नीचे फॉन्ट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आपको इंग्लिश में जो भी फॉन्ट आपको चेंज करना है, जिसका डिजाइन चेंज करना है वो आपको यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा। मेरे को हिंदी का जो फॉन्ट है उसका डिजाइन, उसका शेप चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे बीच में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है माई फॉन्ट, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हिंदी का मेरा कुछ फॉन्ट है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे टेको बोल्ड नाम से एक फॉन्ट दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा। तो ये देख रहे हो दोस्तों मेरा फॉन्ट जो पहले ऐसा था अभी ऐसा चेंज हो गया। तो हिंदी का जो फॉन्ट है वो आपको कैसे चेंज करना है, इसके लिए दोस्तों आपको फॉन्ट जो है वो डाउनलोड करना है गूगल क्रोम ब्राउज़र से। गूगल क्रोम में जाएंगे हम और आपको बताएंगे कि फॉन्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है और अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड कैसे करना है। दोस्तों पिक्सल लैब में हिंदी फॉन्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, आपको यहाँ पे सर्च करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे हो कृति देव फॉन्ट, ऐसा आपको अभी गूगल में लिख करके सर्च कर देना। नीचे आपको ये वाला वेबसाइट वहाँ पे ओपन हो जाएगा, इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आपको दिख रहा है, डाउनलोड ऑल कृति देव हिंदी फॉन्ट्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ दिखेगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा हिंदी फॉन्ट कृति देव, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल अप आप करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन का जो फॉन्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। सभी में एक ही बात लिखा हुआ पर उसका डिज़ाइन आपको अलग अलग यहाँ पे दिखेगा। तो आपको जो भी डिज़ाइन, जो भी फॉन्ट साइज़ जो आपको बढ़िया अच्छा पसंद आता है वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको करके बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे कृति देव 240 नंबर्स यहाँ पे फॉन्ट का नाम जो लिखा हुआ है, ये वाला फॉन्ट मुझे थोड़ा बढ़िया लगा, अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐड आ जाएगा, उसको हटा देना और ये आपका फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी आपको पसंद आता है वो सबको आपको डाउनलोड करना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो उसको ऐसे ही सभी को आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अब हम चलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में और आपको बता देते हैं फॉन्ट ऐड कैसे करना है। फ़ोन यहाँ पे रोटेट किया हुआ है तो आपको ऑप्शन इधर दिख रहा है और यहाँ पे खड़ा फ़ोन आप रखोगे तो ऑप्शन जो पूरा सारे जो ऑप्शन आते हैं ना वो नीचे आ जाएगा।
तो यहाँ पे ए बी फॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको माई फॉन्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका कोई फॉन्ट्स पहले से ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे दिखेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे एक राइट साइड में ऊपर एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा, आपका गैलरी से प्लस करने के लिए यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेरा यहाँ पे डाउनलोड का फोल्डर है, उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो भी आपने फॉन्ट डाउनलोड किया वो सब सारे यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने जो अभी पहले डाउनलोड किया था 240 नंबर कृति देव 240, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जो भी आपको ऐड करना है उस फॉन्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट डायरेक्ट नीचे ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। जो भी फॉन्ट आपने डाउनलोड किए वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कई कई फॉन्ट ऐसे हैं वो भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं पिक्सेल लैब में, जो भी काम यहाँ पे जो सही से काम कर रहा है उनको यहाँ पे रखिए, नहीं तो हटा सकते हो। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, हटा देना और दूसरा डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। दोस्तों हमने यहाँ पे हिंदी फॉन्ट ऐड करना सीखा पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे ऐड करना है। तो आप भी हिंदी फॉन्ट का आपका डिज़ाइन आप चेंज करना चाहते हैं, आपको नॉर्मली अच्छा नहीं लगता है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो ऐसा मैंने लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फॉन्ट आपका चेंज हो गया, कलर भी आपका सेट हो गया। यहाँ पे नीचे स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना है। यहाँ से इसका स्ट्रोक आप जो भी देना चाहते हो दे सकते हो और यहाँ पे आप स्ट्रोक का कलर जो भी आपको जो भी चाहिए रख सकते हो। इसको यहाँ पे नीचे आपको ये लाइन दिख रही है, इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने चार का स्ट्रोक यहाँ पे रखा है, आपको जो भी बढ़िया लगता है आप रखिए। यहाँ पे हमने ऐसा लिख करके यहाँ पे सेट कर लिया है। यहाँ पे फिर से यहाँ से इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, लॉक कैसे करना है आप सीख गए होंगे। फिर से हम ये प्लस का ऑप्शन दिख रहा है बीच में सेंटर में ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे थंबनेल। यहाँ न्यू टेक्स्ट का जो ऑप्शन आ गया इस पर डबल क्लिक करना है, इसको न्यू टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ जो आता है इसको पहले यहाँ से कट कर देना, बाद में लिख देना यहाँ पे थंबनेल। यहाँ पे दोस्तों हमने थंबनेल लिखा और यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसका भी हम यहाँ पे कलर और फॉन्ट और अपना स्ट्रोक वो सब सेट कर लेंगे, कैसे करना है वो तो आप समझ गए होंगे। कलर पर क्लिक करेंगे, पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कलर पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर हमको चाहिए वो कलर यहाँ से हम रख लेंगे। फॉन्ट जो भी है फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और इंग्लिश का फॉन्ट जो है बहुत सारे यहाँ से ओपन हो जाएगा, जो भी आपको बढ़िया लग रहा है आपको जो पसंद है वो यहाँ से आप सेट करेंगे। फिर दोस्तों थंबनेल का कलर सेट हो गया, यहाँ पे हम नीचे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे वाइट ठीक लग रहा है मेरे को, ब्लैक भी अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर वाइट ही रखूँगा। यहाँ से आप राइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको और एक इनर शेडो का ऑप्शन मिलेगा, इनर शेडो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको कलर ठीक से लगता है उसको यहाँ पे सेट करेंगे। मैं यहाँ पे ब्लू कलर करके देख लेता हूँ। यहाँ पे आपको जहाँ पे भी ये जो सेट हो रहा है जहाँ पे भी अच्छा सेट लगता है वहाँ पे सेट कर लीजिए। यहाँ पे सेट होने के बाद में राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको और एक शेडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इनेबल करेंगे, शेडो में आपको कलर हमेशा ब्लैक ही रखना चाहिए। यहाँ पे आप नाम के बैक साइड में देख रहे हो ब्लैक कलर का एक शेडो दिख रहा है छाया जैसा, तो उस पर उसको आपको जहाँ पे भी सेट होता है वहाँ पे सेट करके राइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप उसमें सब अपना जो भी आपको पसंद है जो भी अच्छा लगता है वैसा सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3D टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इनेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपने जो 3D का नाम है उसको घुमा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं जहाँ से भी आपको अच्छा लग रहा है। मेरे को यहाँ पे ठीक लग रहा है तो ऐसे रखूँगा मैं, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आप साइड में ऑप्शन दिख रहा है, पहले जैसा था वैसे ही रखना है तो एकदम सेंटर में 0 पर आपको रख कर छोड़ देना है। और आपको इसको यहाँ से भी आप इधर उधर घुमा सकते हैं, वो तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप पकड़ के घुमा सकते हैं। ये होने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलता है इनेबल, इसको एक बार इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे आप इनेबल करोगे तो नीचे और ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपको, यहाँ से आप इसका और भी क्वालिटी है जो और बढ़िया बना सकते हो, जैसा भी आपको पसंद हो वहाँ पे आप ऐसे इसको घुमा करके रख लीजिए। यह आपको थोड़ा सेट होने के बाद में अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप राइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने सब कुछ सेट किया और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से राइट कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा थंबनेल बन करके यहाँ पे पूरा रेडी हो गया। मैंने कैसे बनाया वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट ऐड कैसा करना है और नाम यहाँ पे जो लिखा हुआ वो कैसे लिखा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ।
यहाँ पे ऐसा थंबनेल बनाए अपने मोबाइल से। इनके बैकग्राउंड में ये शेप बना हुआ है, ये नीचे वाले में राउंड शेप बना हुआ है, इसमें भी ये और एक शेप बना हुआ है। तो ये शेप बना के कैसे लगाना है इसके बैकग्राउंड में, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बीच में राइट साइड में जो ये ऑप्शन दिखना है, ये वाला आपको इस ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, नीचे लिखा हुआ है शेप्स, इस पर ये इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको जैसे भी अपने को जो भी साइज में करना है यहाँ से कर लेना है। आपको ये स्कोर वाला चाहिए ये रख लेना है, नहीं तो इस पर यहाँ पे ये जो स्कोर इधर राइट साइड में जो बॉक्स बना हुआ है इसके पास में एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, छोटा सा दिख रहा है, ध्यान से देखिए आप, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा शेप्स है जो हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जो शेप हमको बनाना है उस पर क्लिक कर देना है। मैं आपको एक बार, चलिए ये राउंड वाला जो है इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ऐसा हमारे साथ में ओपन हो गया है, और इसको जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हूँ, देखिए आप, यहाँ नीचे लिखा हुआ है थंबनेल बनाना सीखे, इसके नीचे मैं ये शेप लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने सेट कर दिया है, ये यहाँ पे सेट करने के बाद में यहाँ पे आप नीचे ओपेसिटी देखेंगे, ओपेसिटी आपको पूरा 100 रखना है। जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है, राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख रहे हो ये जो नीचे नाम लिखा हुआ है इसके यहाँ पे ये ऊपर आ गया, तो इसको नीचे कैसे करना है आपको पहले से मैंने बताया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। ऊपर सेंटर में आपको एक बीच में ऑप्शन दिख रहा है ये वाला स्कोर वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमको ये जो ऊपर बॉक्स है इसको पकड़ के जो थंबनेल बनाना सीखे ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे यहाँ पर लगा देना है। मैं यहाँ से फिर से हटा देता हूँ, ये देखिए इसके नाम के नीचे बॉक्स आ गया है, फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो फ़ोटो है अपना मनोज देव भाई का फ़ोटो लगा हुआ है इसके भी ऊपर आ रहा है। तो इसके नीचे करने के लिए फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसको यहाँ से पकड़ के पूरा है ना लास्ट में नीचे ले जा के छोड़ देंगे, बस यहाँ पे लास्ट में नीचे रख दिया है, और यहाँ पे फिर से ये हटा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे सेट हो गया। अब जहाँ पे भी अपने को जिसके भी फ़ोटो के नीचे ये नाम के नीचे सेट करना है ऐसे आप कर सकते हो। ये मैंने जो ऊपर सब बनाया इसी तरह बनाया, इसलिए मैं एक 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 के नीचे लगा के आपको दिखा देता हूँ। सभी को बार बार फिर से आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है, और भी बड़ा हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं पूरा पहले लिख करके बना दिया हूँ आपको बताने के लिए, बस फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों इस जो हमने ये बनाया है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये इधर साइड में जो ऑप्शन ओपन हो गया यहाँ से इसका भी हम ये स्ट्रोक ये सब लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ, और जो भी कलर हमको इसका स्ट्रोक में देना है, ये ब्लैक वाला साइड में हम पट्टी बनाना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे। यहाँ पे जो भी आप जितना बड़ा रखना चाहते हो रख सकते हो, और यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हो इसके जो कलर है इसके नीचे ब्लैक का जो स्ट्रोक जो है ब्लैक का वो भी बन गया है। तो दोस्तों बस सभी मैंने ऐसे बना के यहाँ पे लगाया, तो आप भी बना सकते हो, बस आपको सीखना पड़ेगा। और ये वीडियो देख करके आप 100% थंबनेल बनाना सीख गए हो मेरे को ऐसा लग रहा है, और नहीं भी सीखे हो तो वीडियो एक बार फिर से आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने कुछ भी पॉइंट मिस नहीं किया है, इसमें मैंने थंबनेल बनाने के लिए पूरे पॉइंट जो है पूरे कवर किए हैं, और भी दो तीन पॉइंट है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको डाउनलोड कैसे करना है, और बढ़िया क्वालिटी में डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के बाद में क्या करना है सब आगे वीडियो में बता दूँगा। थोड़ा और 2 मिनट आपको लगेगा, 2 मिनट टाइम निकाल के वीडियो पूरा देख लीजिए। दोस्तों ये जो मैंने बैकग्राउंड में जो लगाया है ये मेरे को नहीं रखना है, मैं ऊपर जो लगाया हूँ उसमें रखना है और इसमें नहीं रखना है। तो मैं ये डिलीट इसके जो भी आपको डिलीट करना है उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, और ऊपर डिलीट वाला लेफ्ट साइड में आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है, वो हट गया है। जो भी आप लिखते हो डिलीट करने का बस यही एक ऑप्शन है, तो आप सभी को इसी तरीके से डिलीट कर सकते हो। दोस्तों मेरा थंबनेल जो है बन के रेडी हो गया, आपको भी इसी तरह से थंबनेल बना लेना है, और अब हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड कैसे करना है ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ ये वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, सेव एज प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी आपको नाम देना है एक बार कोई भी आप नाम दे सकते हैं, और नाम देने के बाद में ओके पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक यहाँ पे ऐड दिखेगा, ऐड देख लेना है। ऐड देखने के बाद में अभी हमारा अभी जो आपका ये इमेज जो आपने थंबनेल जो बनाया है वो आपका पिक्सल लैब एप्लीकेशन में सेव हो गया है। तो हम अभी इसको अपना गैलरी में, ये सेव नहीं हुआ तो गैलरी में सेव कैसे करना है वो भी बताओ तुम। आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन में इसको सेव क्यों करना है इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बार थंबनेल बना करके सेव कर लोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी मैंने थंबनेल बना के रखा हूँ पूरा मैंने इसमें यहाँ पे सेव करके रखा हूँ। कोई भी एक थंबनेल में ओपन करके फिर से उसके ऊपर उसमें कुछ चेंज करना है तो कुछ नाम जो भी है कुछ चेंज करना है तो चेंज करके फिर से हम सेव कर सकते हैं। तो फिर से हमको बार बार नया थंबनेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर जो नाम जो लिखे हुए हैं ना उतना ही उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूंगा, पहले एक बार उसको सेव कर लेते हैं हम हमारे गैलरी में। जो हमारा थंबनेल है इसको हमारे गैलरी में सेव करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, नीचे सेव एज इमेज ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कस्टम लिखा हुआ देख रहे हैं, इसके सामने एक इधर राइट साइड में एरो बना हुआ है, इस पर हम यहाँ पर क्लिक करना है। आपको क्वालिटी के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो यहाँ से सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है अल्ट्रा, आपको यहाँ पे अल्ट्रा पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं सेव टू गैलरी, सेव टू गैलरी लिखा हुआ है, इसमें आपको यहाँ से सेव कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से एक ऐड देखना है। दोस्तों ऐड देखने के बाद में आपका जो थंबनेल है जो ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों गैलरी में सेव होने के बाद में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार हम गैलरी में चलते हैं और आपको बता देता हूँ। तो आप देख रहे हो हम आ गए हमारा फाइल मैनेजर यानी गैलरी में, और यहाँ पे हमारा जो थंबनेल हमने जो बनाया था वो यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसमें आपको आपके फ़ोन में एक ऑप्शन है तो आप देख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे भी क्वालिटी थंबनेल का क्वालिटी पहले से बढ़िया है, और भी क्वालिटी को और बढ़िया बनाने के लिए आपको यहाँ से कर सकते हो। फ़ोन को गैलरी में फ़ोटो एडिटिंग करने का एक ऑप्शन मिलता है, जिससे आप फ़ोटो का क्वालिटी चेंज कर सकते हो, कलर थोड़ा चेंज कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है एडिटिंग का, इस पर ऐसा वाला ये इस पर देख रहे हो, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे फ़ोन जो मेरा है जो ऑटोमेटिक रोटेट हो गया, तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा, नीचे आप देख रहे हो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा ऐसा वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें हमारे थंबनेल का जो भी कलर है आपको थोड़ा सेट कर लेना, जहाँ पे भी आपको बढ़िया लगता है वहाँ पे रखे। मैं भी आपको थोड़ा अच्छा बढ़िया क्वालिटी सेट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको जो लाइन दिख रहा है इसको कम ज़्यादा करेंगे, क्वालिटी जो थंबनेल का अपना और भी बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो आप थंबनेल बनाने के बाद में ये वाला काम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको करना चाहिए, इससे क्वालिटी बहुत और भी बढ़िया बन जाता है थंबनेल का। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करके यहाँ से सेव कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों सेव होने के बाद में आप देख सकते हो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में डिफरेंट आ गया, जो वहाँ से हमने डाउनलोड किया था उसमें और यहाँ पर इसमें काफ़ी डिफरेंट आया हुआ है यहाँ पर दिख रहा है। तो आप भी अपना कलर सेटिंग करने के लिए यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।